भाजपा के खिलाफ भड़की शिवसेना। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी शिवसेना। दीपावली त्योहार के मौके पर फडणवीस सरकार का विरोध। सोलापुर जिले में शिवसेना ने भरी हुंकार। 2019 में नहीं चाहिए भाजपा सरकार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आक्रामक हुई शिवसेना। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने अपने ही सरकार की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दीपावली त्योहार के मौके पर जहां देश की जनता एक दूसरे को खुशियां बांटने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय महानगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें शामिल शिवसैनिकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि साल 2019 में भाजपा की सरकार नहीं आनी चाहिए। हा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे आणि जनतेला सतवत आहे, त्यामुळे आज सुट्टी असली तरी शिवसेना जनतेसाठी कधी सुट्टीवर जात नाही, त्यामुळे आज या ठिकाणी जो महापालिकेने भाजपनं आणि त्या सत्ताधाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी जो हा फुसकाबार लावलेला आहे पाणी पुरवठ्याचा, त्याचा निषेध म्हणून या ठिकाणी आम्ही आज फुसकाबार उडवलेला आहे आणि मला वाटतं की यातून सत्ताधारी बोध घेतील, नाही गेले तर त्यांची गाठ शिवसेनेशी आहे। एवढं बोलून मैं माझे दोन शब्द संपतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला है पानी सप्लाई को लेकर, जिसमें आंदोलन कर रहे शिव सैनिकों का ये कहना है कि सोलापुर महानगर पालिका की सत्ता पर काबिज भाजपा जिले की जनता के साथ घोर अन्याय कर रही है। उन्होंने मनपा में पानी की सप्लाई धीमी कर दी है, जिससे स्थानीय जनता बेहद परेशान है और मनपा इसे गंभीरता से नहीं ले रही। ऐसे में सूबे की सरकार में सहभागी शिवसेना कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी और राज्य की फडणवीस सरकार पर जिस तरीके से आक्रामक हुई है, उससे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोज शेख के साथ जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज़, सोलापुर।